सुबह 6 बजे निकल गए थे हम पल्ली गांव से अंगड़ी गांव के लिए, तो जो ये पड़ता है 10 किलोमीटर के आसपास। तो वहां से वापस ढाबखाल में आए और अभी ढाबखाल से फिर जा रहे हैं। अब या तो ताड़केसर मंदिर घूमते हुए जाएंगे और लेंसी डाउन वगैरह सीधा, अब दोबारा वापस कोटद्वार ही जाएंगे। तो कल रात 4 बजे तक कम से कम प्रोग्राम चल रही थे, और 4 बजे तक, 3:30 बजे तक मैं भी उठा था। और कल थे हम पल्ली गांव में और बहुत ही ज़्यादा लेट लेट भी पहुँचे, तो पूरा रात भर जागरण चलता रहा। और उसके बाद सुबह जैसे हुई तो 6 बजे उठा दिया गया, 2-3 घंटे की नींद। उसके बाद हालत एकदम वैसी ख़राब रात भर जाग के। तो ये सुनील भाई जी 2-3 दिन से सोई नहीं है और अब जाके बहुत ख़तरनाक वाली इन्हें नींद आ रही है। फिलहाल अभी हम ढाबखाल से आ चुके हैं और ये जगह है चफलिया खाल, और यहाँ से जाएंगे सामने, देखोगे आप ताड़केसर यहाँ से है खाली 5 किलोमीटर। तो आ जाएंगे हम ताड़केसर महादेव मंदिर घूमने के लिए, पर भाई जी को थोड़ा आगे लेके आ गए, यहाँ से थोड़ा सुविधा बढ़ जाएगी, गाड़ी वगैरह मिल जाए। और यहाँ से लेंसी डाउन पड़ गया 32 किलोमीटर 80 सल्टी। और तो इस साइड में हम आए ना, पेट्रोल कुछ भी नहीं मिला हमें, तो पेट्रोल मिलेगा हमें 60 सल्टी में 15 किलोमीटर आगे। तो अब मैं फ़िलहाल ताड़केसर के लिए निकलता हूँ, और भाई यहाँ से अब टैक्सी पकड़ेंगे क्योंकि वो स्कूटी में भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है, तो ये कहीं पतक ना जाए इस बात के डर। तो फिर मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा दाएं बाएं घूमना है, मैं ब्लॉग बनाता बनाता आऊँगा। चकले खाल से 4 किलोमीटर आगे एक मार्केट पड़ती है, 2-4 दुकानें हैं, वो जगह है उलन खेत। उसके बाद वहाँ पे से 1 किलोमीटर आगे और ये ताड़केसर मंदिर, और बिल्कुल यहाँ से नीचे थोड़ा ही है और यहाँ पे लगी है छोटी मोटी दुकानें, पूजा का सामान वगैरह, प्रसाद वगैरह। तो फिलहाल चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे पार्किंग करने की जगह लास्ट, काफ़ी स्पेस है, और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल ही नीचे पैदल रास्ता जा रहा है अब। तो ये गेट पे ही हनुमान भगवान का मंदिर पड़ता है, और यहाँ से चलते हैं मंदिर। यहाँ पे बंदर नाच रहे हैं और यहाँ पे भक्त लोग भी आ रहे जा रहे हैं, सुबह से ही काफी भीड़ है, सुबह से ही लग गई। तो ये ऊपर बस स्टैंड यहीं पे ही है, नजदीक ही है अभी, और यहाँ से मतलब रास्ते वगैरह एकदम जंगल के बीच से बहुत ही बढ़िया बना रखे हैं यहाँ पे। तो ऊपर जाओगे ये आप, ऊपर ये आश्रम यहाँ पे, और नीचे साइड में मंदिर। तो ये जगह काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब मैं अभी मंदिर तक पूरा पहुँचा नहीं हूँ, पर दूर से देखने में बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त दिखाई दे रही है ये जगह। ये रास्ते में पड़ गया कुंड, इसके बारे में मैंने सुना था कुंड है, तो वहाँ पे नहा सकते हो आप, तो कुछ ऐसी जगह ही है। बाकी मंदिर तो ये पूरे देवदारों के पेड़ों से घिरा है मंदिर है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे जा रहा है ये रास्ता, और यहाँ पे ये मंदिर, और बाकी ये बीच का खुला स्पेस, तो वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुगण भक्त लोग हैं, उधर दुकानें भी लगी हैं यहाँ से दिख रही है। तो पहले मेरी भी हालत ख़राब है, कुंड में नहाते हुए जाएंगे। वो आज हमें ताड़केसर मंदिर में मिले हैं श्री शास्त्री खंतवाल जी, तो वह यहाँ पे आपको कुंड के बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएंगे। कुंड नहीं, हम आपको ताड़केसर भगवान के बारे में जी बताएंगे कि यहाँ पर हम जो है भगवान ताड़केसर जो है का महत्व क्या है। उत्तराखंड भूमि में हमारा ये पौराणिक स्थान है जिसमें भगवान साक्षात भगवान शंकर की जो है यहाँ पर उन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। ताड़कासुर वध करने के बाद उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर की जो है स्थापना हुई, और भगवान शंकर इन विशाल देवदार वृक्षों के अधीन, और देवदार वृक्ष आप देख रहे होंगे साक्षात भगवान शंकर की जो है पुण्य भूमि है, और जिस पर जो है देवदार वृक्ष जो भगवान शंकर का दायरा है, मतलब मंदिर का दायरा है, उसके अंदर सिर्फ देवदार वृक्ष ही मिलेंगे, अन्यथा बाहर नहीं मिलेंगे। जी जी, बाहर ना होने का कारण यही है कि इस भूमि में जितना भगवान शंकर के जो मतलब पुण्य स्थल है उसके अंदर ही देवदार वृक्ष है। बाकी आप इस कुंड के विषय में हमारे से जानकारी लेना चाहते हैं, ये एक कुंड पौराणिक है जी, और इस पौराणिक कुंड में स्वतः ही जी जल आता है, और स्वतः ही कहाँ से आता है, ये प्रकृति का देन है और भगवान भोलेनाथ की कृपा है।
तो यही चीज मैंने इनसे पूछी थी कि इसमें जो प्रकृति से ही आता है अपना आप ही, पर एक होता है कि इसके नीचे कहीं फर्श वगैरह तो नहीं लगे या सीमेंट टाइप तो नहीं किया? नीचे वर्तमान में पहले कुंड बहुत पुराना वैसे ही होता था। अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल जी। इसमें जो है ये आप देख रहे होंगे रेलिंग वगैरह लगी हुई है जी, ये रेलिंग वर्तमान में लगी है, और ये जो टाइल्स वगैरह साइड में जो आपने देख रहे होंगे ये टाइल्स भी वर्तमान में लगे हैं, लेकिन नीचे क्या है कच्चा है, कच्चा है, मिट्टी है, मिट्टी है। तो स्वाभाविक है ये जो है जल जो है अपने आप ही प्रकृति की स्रोत से आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर जो है अपने आप ही आता है, अपने आप ही बाहर रिसते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये चिकनी मिट्टी है इसलिए ये ऊपर नहीं आ पा रही, ऊपर नहीं आ रही, तो ये दबी रहती है, एकदम टाइट हो गई, दब गई। पौराणिक स्थल होने के कारण और देवदारों का वृक्ष है, आगे आप देखेंगे जहाँ पर भगवान शंकर का पौराणिक मंदिर है जी जी, जो भगवान शंकर की वहाँ पर जो वृक्ष है वहाँ त्रिशूल आकार वृक्ष आपने देखेंगे वहाँ पर। अच्छा। आगे मंदिर में जाएंगे आप जी जी जी, त्रिशूल आकार में वृक्ष मिलेगा। तो भगवान जो देवदारू है एक निश्चित परिधि में है ना, उससे बाहर नहीं है ना? देवदार जो है निश्चित परिधि से बाहर नहीं है। अब ये भगवान शंकर की जो निश्चित परिधि है उसके अंदर ही देवदार है, और बाग में बाहर जाकर के ये क्या होता है वही देवदार वृक्ष, लेकिन उसमें सुगंध नहीं मिलेगी आपको। उसको हमारे अपने उत्तराखंड की भाषा में बोलते हैं रसोला। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे दो कुंड है, एक कुंड हो गया ये पुरुषों के लिए और दूसरा ये यहाँ पे महिलाओं के लिए। हम भी अब कुंड में स्नान करते हैं, तो काफी श्रद्धालुगण भक्त लोग यहाँ पे भी बैठे, और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। तो दर्शन वगैरह करते हैं पहले, तो जूते चप्पल यहाँ पे उतार सकते हैं, कोई टोकन वोकन लेने की जरूरत नहीं है, आओ उतारो। तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया, तो इसको पॉज करके देखना कितनी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं इसमें। चलो मैं तो पहुंच नहीं पा रहा, तो रोड से काफी नजदीक है मंदिर, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और घंटे ही घंटे। तो काफी दूर दूर से श्रद्धालुगण भक्त लोग आ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुबह से ही इतनी भीड़ है। तो 31 तारीख को यहाँ पे भंडारा था, सॉरी 31 तारीख को यहाँ पे मेला था, उस दिन मेरा आने का प्लान था पर मैं आ नहीं पाया, और आज आया हूँ। तो आज यहाँ पे भंडारा है, और इसलिए कुछ थोड़ा इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। हर हर महादेव, जय ताड़केश्वर धाम की जय। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये है मुख्य मंदिर, और यहाँ पे पूरे देवदार के वृक्ष। बहुत ही ठंडा हो रहा है मौसम यहाँ पे, और यहाँ पे भी शिवलिंग है, तो यहाँ पे भी पूजा वगैरह हो रही है, जल चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे महिलाएं संगीत करती हुई, अभी क्या करते हैं कि पहले दर्शन करते हैं, यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है दर्शन के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है दर्शन के लिए, तो अभी हम भी दर्शन करते हैं पहले। अच्छा, जो लोग कावड़ लेके आते हैं यहाँ से भी जाते होंगे, तो लाइन पता नहीं कहाँ से है, अभी मुझे पता नहीं है, पहले लाइन के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे हवन वगैरह भी हो रहा है, तो यहीं से लाइन लगी पड़ी है, और ये है त्रिशूल रूपी वृक्ष। तो ऊपर से देखोगे, ये देखो त्रिशूल के आकार का ये वृक्ष, बहुत ही ऊंचा, बहुत लंबे पेड़ है इसके देवदार के। तो काफी भीड़ है यहाँ पे, बहुत श्रद्धालुगण भक्त लोग आ रखे हैं दूर दूर से।
तो जैसे जैसे दिन होता जा रहा है वैसे वैसे भक्त श्रद्धालु गण लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो लाइन अभी थोड़ा लंबी हो गई, जब मैं आया था इतनी लंबी लाइन नहीं थी तब यहाँ पे। महादेव शिव शंकर शंभो उमा का हर काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे आके भी काफ़ी अच्छा लगा, तो थोड़ा और घूमते हैं। फिलहाल तो अब मुझे जाना है काफ़ी दूर, यहाँ पे दर्शन करके भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत सारे श्रद्धालुगण भक्त लोग आ रहे हैं और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे जैसे है ना यहाँ पे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुगण भक्त लोग आ ही जा रहे हैं। तो भक्तों की भीड़ यहाँ पर कम नहीं हो रही, यहाँ की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे जाना कोटद्वार, सफ़र लंबा है तो फटाफट निकलना पड़ेगा और मौसम भी ख़राब हो रहा है, कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए इस बात की भी दिक्कत है। तो फटाफट चलते हैं पहले घर की तरफ। तो अभी मुझे रास्ते का भी कंफर्म पता नहीं है, तो रास्ता भी काफ़ी दूर है, तो रास्ता भी पूछते पूछते ही जाना है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो अब चलते हैं शूज़ वगैरह पहन के फटाफट से निकलते हैं। यहाँ पर हो रहा है आज भंडारा, फिलहाल तो प्रसाद भी खा लिया है। पर यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म नहीं है, अगर जो यहाँ पे कभी भी भंडारा वगैरह होता है तो एक गांव वाले नहीं, यहाँ पे दो तीन गांव वाले मतलब मिलके करते हैं, मतलब अलग अलग जगह में लगाते हैं। एक जगह ख़त्म हो गया तो भक्त लोग श्रद्धालुगण प्रसाद खाने दूसरी जगह में चले जाते हैं। तो अभी मेरे को जाना है दूर, तो प्रसाद भी हो गया और अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो फटाफट चलते हैं। आज काफ़ी भीड़ भाड़ थी यहाँ पे, भाई को भी ले लिया। क्या नाम है भैया जी का? मोंटी भाई। कहाँ से हो? मैं यहीं से बिजनौर। अच्छा, तो यहाँ पे भी अभी स्नान कर रहे हैं सभी लोग बच्चे। तो यहाँ से कम 150 मीटर के अंदर है, ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो अभी धूप वगैरह होने लग गई तो सभी लोग ना अब ज़्यादा नहा रहे हैं, तो सुबह के टाइम बहुत कम नहा रहे थे। तो पानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो फटाफट चलते मेरे हाथ भी धोने लग गए। तो यहाँ पे श्रद्धालुगण भक्त लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो आप कहाँ से हो? हम बीकानेर राजस्थान से। बताओ, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो आप लोग कब आओगे? और आएंगे, फिर आएंगे, दोबारा आएंगे भैया। ना ना, मैं इनको भी कह रहा हूँ, तो आप लोग कब आओगे यहाँ पे? तो इतने दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे कई बार हो जाता है कि उत्तराखंड वाले ही खुद उत्तराखंड में नहीं आ पाते। भैया बहुत जरूरी है, इस मंदिर में जरूर आओ। तो यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अक्सर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, पूर्ण होती है ये। स्वयंभू मूर्ति है ये। हाँ, स्वयंभू प्रतिष्ठित। तो देख लो, तो साक्षात प्रमाण आपके सामने है, राजस्थान से भी आ रहे हैं। तो मैं चलता हूँ अभी, हैं मैंने जाना है दूर।